को एंडोस्ट्रॉन और इथियोकोलेनोल नामक पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाया गया। जानकारी के मुताबिक इंद्रजीत सिंह का 22 जून को आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट किया गया था। दो हफ्ते से भी कम समय में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में शुरू होने जा रहे खेलों के महाकुंभ के लिए चुने गए भिवानी के इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उनके खिलाफ साजिश है, क्योंकि मैं मुंहफट हूं, सीधे भारतीय खिलाड़ियों के लिए बात करता हूं और प्रशासन की मुखर रूप से आलोचना करता रहा हूं, लेकिन इस देश में ये बात खिलाड़ी को बर्बाद कर देती है, मगर इसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं जब से यूएस से आया हूं, लगातार मैंने 6 बार डोप टेस्ट दिया है और ये जो डोप हुआ है, ये जो बीच में हुआ है, मतलब जो थर्ड डोप टेस्ट हुआ है और ऊपर जो 2 हुए हैं और बाद में जो 3 हुए हैं, उसका अभी कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो ये बीच में कैसे आ गया और इसके पीछे साजिश है और इस तरह से की गई है कि इंदर को खत्म कर दिया जाए। आपका अगला प्लान क्या होगा? अभी तो इस चीज के लिए मैं आगे पैनल के आगे जाऊंगा और जो भी होगा आपको बताया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इंद्रजीत सिंह को नाडा ने कहा है कि अगर वो अपना 20 सैंपल टेस्ट करवाना चाहते हैं तो ऐसे उन्हें 7 दिन के भीतर ही सैंपल टेस्ट करना होगा, लेकिन अगर इंद्रजीत के 20 सैंपल भी पॉजिटिव आते हैं तो इंद्रजीत सिंह पर रियो ओलंपिक में बैन के साथ साथ नए वाडा कोड के तहत 4 साल का बैन भी लगाया जा सकता है। और इस तरह का दाग लगाने के बाद खिलाड़ी को मार ही दिया जाता है, वो कहीं बोलने लायक नहीं होता और उनके लिए आसान हो जाता है कि अब तो ये कुछ नहीं कह सकता, पर इससे मुझे पॉजिटिवली आगे बढ़ना है और अच्छे से इससे करके आगे निकलना है। क्योंकि ओलंपिक शुरू होने में काफी कम समय बचा है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि इंद्रजीत सिंह के 20 सैंपल का टेस्ट और मामले की सुनवाई जल्द ही दिल्ली में करवाई जाए। इंद्रजीत सिंह देश के उन एथलीट्स में शामिल हैं जो राष्ट्रीय कैंपों में ट्रेनिंग नहीं लेते। इंद्रजीत आमतौर पर अपने निजी कोच के साथ खुद ही ट्रेनिंग करते हैं। इंद्रजीत सिंह पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप, एशिया ग्रांप्री और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।